नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि 28 फरवरी महीने का अंतिम दिन कैसा जाएगा आपके लिए, क्या कुछ शुभ है क्या कुछ अशुभ है, जानेंगे इस वीडियो में। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि आपको मिल सके सभी जानकारियां समय पर और आप अपने जीवन में खुश रह सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो जान लेते हैं 28 फरवरी 2019 का सुबह का पंचांग क्या कहता है। सूर्योदय होगा 6:51 पर, सूर्यास्त होगा 6:16 पर और तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष और योग रहेगा व्रज और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:11 से 12:56 तक। राहु काल रहेगा 1:59 से 3:25 तक और आज का नक्षत्र रहेगा मूल नक्षत्र। तो यह तो था संक्षेप में पंचांग। तो अभिजीत मुहूर्त में आपको करने हैं सभी शुभ काम और राहु काल में नहीं करना है कोई भी शुभ काम। तो यह तो पंचांग की जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। और यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि या अपने नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन सूर्य राशि से आपको देखने में आपको बहुत अधिक अच्छे परिणाम शायद प्राप्त ना हो। चंद्रमा 28 फरवरी 2019 को शनि के साथ तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शनि चंद्र का मिलन विष दोष का निर्माण करता है, यानी जहर दोष का निर्माण करता है। जहर शब्द अपने आप में बड़ा भयानक है, बड़ा डरावना है। एक बूंद जहर की इंसान की हृदय की गति रोक सकती है या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती है। तो यह विष दोष आपके तृतीय भाव में बन रहा है, पराक्रम भाव में बन रहा है। तो आपको मानसिक पीड़ा, सरदर्द, चिंता हो सकती है और आपको बुरे और नकारात्मक विचार से आज जूझना पड़ सकता है। हर चीज में आप बुराइयों को ढूंढ सकते हैं। आपको किसी भी चीज में अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। आज आप लोगों की कमियां ढूंढेंगे और कमियों को पॉइंट आउट करेंगे, जिसकी वजह से वाद विवाद झगड़ा हो सकता है। सामने वाला ये भी कह सकता है पहले भैया खुद को देख लो फिर हमारी तरफ को, एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। ऐसे उदाहरण आज आपको लोग दे सकते हैं। तो किसी से भी फालतू की बहस इत्यादि नहीं करिएगा। आपके शरीर का बल कम होगा, साहस कम होगा, इच्छा शक्ति कम होगी, आत्मविश्वास कम होगा, आप खुद को थका थका आलसी महसूस करेंगे। आपके चेहरे का जो तेज है, जो प्रताप है, वह गायब होगा। आप बुझे बुझे से दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत सारी गलतियां आप जानबूझ के करेंगे, बहुत सारे लोगों को आप जानबूझ के परेशान कर सकते हैं, उनसे पंगा ले सकते हैं और बाद में खुद को फंसता हुआ जब देखेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होंगे अपने आप को बचाने के। तो पहले के से ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। ईश्वर में आपकी रुचि कम होगी, आप अपने भाई बंधुओं से विवाद करेंगे, मित्रों से दूरी बना लेंगे, उनसे भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। संपत्ति का कोई मामला चल रहा है परिवार में तो वह भी बढ़ सकता है या आपके पक्ष में नहीं आएगा। तो यह एक और दोहरा प्रभाव होगा आपकी मानसिक चिंता आपके दिमाग को और ज्यादा नकारात्मक सोच में ले जाने के लिए, यानी कि कुछ फैसले ऐसे होंगे जो आपके पक्ष में नहीं आएंगे जिसकी वजह से आप डबल परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आज आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, जानबूझ के करेंगे और आपको पता होगा कि ये गलती नहीं करनी है, लेकिन आपके अंदर समझ नहीं होगी और ना समझी में कर जाएंगे। अब कर दी है तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो आपको भुगतनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को सही से समझ लीजिए, जान लीजिए, डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आपका ही फायदा है, आपका ही नुकसान है। यदि जान लेंगे तो फायदा, नहीं जानेंगे तो नुकसान। आपका उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में ताकि आपसे भूल के भी कोई गलती ना हो और आपकी मनोस्थिति अनुकूल रहे। आप मेहनत से जी चुरा सकते हैं, आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं सफलता का, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, अंत में निराशा ही हाथ मिलेगी। विदेश यात्रा में अवरोध पैदा होगा, छोटी मोटी यात्राएं नौकरी व्यापार से जुड़ी हैं या घरेलू यात्राएं हैं तो वहां पर भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बढ़िया प्लानिंग के साथ घर से निकलेंगे और बढ़िया सोच विचार के साथ निकलेंगे तभी आपको कुछ सफलता मिल सकती है, नहीं तो निराशा हाथ आएगी, परिणाम आपके पक्ष में नहीं होगा और आपको खुद ये देखने पर महसूस हो जाएगा कि आज आपके साथ हर जगह पे बुरा बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचने समझने का मौका खुद को नहीं देंगे और गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे। आज की तारीख में तो कई बार आपको लोग समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आप स्वयं को कभी किसी से कम नहीं समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आज आप विलासिता में पड़ सकते हैं, आज आप ऐसी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे शायद आपको नहीं करना चाहिए। आज आप महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हैं जिसकी शायद रिक्वायरमेंट ना हो, बहुत घर की चीज़ें ऐसी खरीद सकते हैं जिसकी रिक्वायर, यानी कि अपने पैसे की बर्बादी कर सकते हैं। आज आप दिखावे में पैसा खर्च कर सकते हैं, आज शो शाह में पैसा खर्च करके आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। आपके चेहरे की हंसी
इसलिए भी गायब रहेगी क्योंकि आज आपको बहुत सारे लोगों की बातें सुनने को मिलेंगी और ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आज आप किसी को कुछ बोलेंगे तो सामने से भी जवाब आपको जरूर मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको तनाव की स्थिति का सामना वैवाहिक जीवन में करना पड़ेगा, प्रेम संबंधों में करना पड़ेगा। आपको घर वाले लोग समझाएंगे कि मत करो, लेकिन आप मानेंगे नहीं, तो वहां पर भी अवरोध पैदा हो सकता है। नौकरी हो या व्यापार, एक एक कदम फूंक फूंक के रखिएगा। घर हो या परिवार, सबसे प्यार से बात करिएगा, क्रोध नहीं करिएगा। पास पड़ोस वाले लोगों से लड़ाई हो सकती है। कहा जाता है जब किस्मत साथ ना दे रही हो, वक्त खराब हो, तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। जहां से आपने उम्मीद नहीं की होगी वहां से भी आपको नुकसान की संभावनाएं दिखाई पड़ जाएंगी, और कारण और कुछ नहीं होगा, आपकी लापरवाही और आपकी गलती होगी। जहर दोष का काम ही है आपके दिमाग को विचलित कर देना, आपके दिमाग से सोचने समझने की शक्ति को कम कर देना, आपको परेशान कर देना, और ताकि उसका जो इरादा है जहर दोष का, जो बन रहा है ग्रहों का इरादा सक्सेसफुल, आप परेशान, उनका मिशन कंप्लीट। और यदि आपने सामने से रिएक्ट किया, उपाय किया, सोचने समझने का थोड़ा सा जज्बा रखा, तो आप बच जाएंगे उससे। और यदि आप उसके प्रभाव में पड़ते रहे तो निश्चित है वो अपना पूरा विष का प्रभाव आपके ऊपर छोड़कर अपनी पूरी कसर करेंगे पूरी, और आपको होगी परेशानी। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों में तकरार भी हो सकती है, प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं, कोई आरोप लग सकते हैं, चोरी का आरोप भी लग सकता है आप पे। बहुत ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। जहां भी जाइएगा, जिससे भी बात करिएगा, संभल के बात करिएगा। संभव हो सके तो मत करिएगा बात, संभव हो सके तो मत करिएगा इन्वेस्टमेंट। एक दिन है, निकल जाएगा, या फिर करना ही है तो सावधानी पूर्वक करिए, सलाह लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक अशांति हो सकती है, कहीं पार्टी फंक्शन में आप जाएं वहां पर कोई ऐसी बातचीत हो जाएगी, दो गुटों में, दो पक्षों में आप लड़ाई करवा सकते हैं, या किसी एक गुट की तरफ से होकर कुछ ऐसा कर देंगे कि बात छोटी सी हो आप उसको बहुत बड़ा करते हैं। तो विलासिता महिलाओं के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, नशे की तरफ जा सकते हैं, आज आप अपने जीवन साथी को धोखा दे सकते हैं, अवैध संबंध आपके बन सकते हैं, लेकिन अंत में हानि आपकी ही होगी, तो ना करें तो बेहतर है। अब बात करते हैं आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको हनुमान जी को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहिए, और इस वृष दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दिन में ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला सुबह शाम जप करिए, भगवान शिव आपको सभी प्रकार के वृष दोषों से मुक्ति दिलाएंगे। इन सभी प्रयोगों को करेंगे, आधा घंटा लगेगा, पूरा दिन बेहतर जाएगा, और आगे आने वाला जो दिन है, समय है 1 मार्च, वह भी बढ़िया जाएगी। नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही है, और यदि इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो विष दोष का प्रभाव लगभग आपके जीवन से आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। हरिओम, नमस्कार।